सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, त्रिपुरा में दुर्गा पूजा महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा आज देश और विदेश में मनाया जाने वाला पूजा बन गया है। दोस्तों, अगरतला में भी दुर्गा पूजा को लेकर बेहद खास तैयारी इस वर्ष की जा रही है। अगरतला में कई सारी ऐसी समितियां हैं जो कि इस वर्ष दुर्गा पूजा को काफ़ी धूमधाम से मनाने जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के 5 प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों के बारे में कुछ रोचक जानकारियां शेयर करूंगा। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, देश बंधु चित्रंजन क्लब। दोस्तों, नंबर 1 पर आने वाले देश बंधु चित्रंजन क्लब का दुर्गा पूजा पंडाल अगरतला के सीआर रोड शिवनगर धालेश्वर में बनाया जाता है। प्रतिवर्ष यहां पर यूनिक कॉन्सेप्ट और दुर्गा पूजा पंडाल को बनाया जाता है। इस वर्ष इस क्लब के द्वारा बुर्ज खलीफा का निर्माण पूजा पंडाल के प्रारूप में किया जा रहा है। दोस्तों, कोलकाता के कारीगर पंडाल को बिल्कुल रियल प्रारूप देने में पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। पूजा पंडाल की ऊंचाई लगभग 90 फीट के करीब है। पंडाल में रात में लाइटिंग की बहुत ही शानदार व्यवस्था दी गई है, इसलिए लोगों की भीड़ यहां पर ज़्यादा उमड़ने की उम्मीद की जा रही है। नंबर 2, राम ठाकुर संघ दुर्गा पूजा समिति। दोस्तों, नंबर 2 पर आने वाला राम ठाकुर संघ दुर्गा पूजा समिति का दुर्गा पूजा पंडाल अगरतला के प्रतापगढ़ में बनता है, जिसकी दूरी अगरतला रेलवे स्टेशन से 5.6 किलोमीटर की है। दोस्तों, इस वर्ष राम ठाकुर संघ दुर्गा पूजा समिति अगरतला के द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल का स्वरूप श्री सोमनाथ मंदिर के रूप में बनाया जा रहा है, जो कि देखने में बिल्कुल सोमनाथ मंदिर जैसा रियल लगेगा। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात में अवस्थित और भगवान शिव को समर्पित एक बेहद ही खूबसूरत मंदिर है, जो कि समुद्री जल स्तर बढ़ने पर समुद्र में समाहित हो जाता है और जल स्तर घटने पर फिर से जमीन पर आ जाता है। दोस्तों, राम ठाकुर संघ दुर्गा पूजा पंडाल को बनाने के लिए कई सारे कारीगर दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। इस बार यहाँ के पूजा पंडाल को घूमने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। नंबर 3, भारत रत्न संघ क्लब उषा बाजार। दोस्तों, नंबर 3 पर आने वाले भारत रत्न संघ क्लब का दुर्गा पूजा पंडाल अगरतला के उषा बाजार में बनता है, जिसकी दूरी अगरतला रेलवे स्टेशन से लगभग 14.6 किलोमीटर की है। इस वर्ष भारत रत्न संघ क्लब उषा बाजार के दुर्गा पूजा पंडाल का थीम है मीनाक्षी अम्मान टेम्पल। पंडाल को बांस और प्लाईवुड से बेहद खूबसूरती के साथ बनाया गया है। दोस्तों, मीनाक्षी अम्मान टेम्पल दक्षिण भारत के तमिलनाडु में अवस्थित मदुरई का एक बेहद ही खूबसूरत मंदिर है, जो कि माँ पार्वती और शंकर भगवान को समर्पित है। पंडाल के आसपास विद्युत की काफ़ी सुंदर साज सज्जा की गई है। नंबर 4, एगिये चोलो संघ। दोस्तों, नंबर 4 पर आने वाला दुर्गा पूजा पंडाल का नाम है एगिये चोलो संघ दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि त्रिपुरा के तेलियामुरा में बनता है। इस वर्ष एगिये चोलो संघ दुर्गा पूजा पंडाल क्लब के द्वारा सिंगापुर के मरियम्मन मंदिर का दृश्य पेश किया जा रहा है। पंडाल को काफ़ी खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है, जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। रात में विद्युत की काफ़ी चकाचौंध कर देने वाली साज सज्जा यहां पर की जा रही है। नंबर 5, शिवनगर मॉडर्न क्लब दुर्गा पूजा पंडाल। दोस्तों, नंबर 5 पर आने वाला शिवनगर मॉडर्न क्लब का दुर्गा पूजा पंडाल अगरतला के चित्रंजन क्लब सीआर रोड शिवनगर धालेश्वर में बनाया जाता है, जिसकी दूरी अगरतला रेलवे स्टेशन से 6.4 किलोमीटर की है।
शिवनगर मॉडर्न क्लब के द्वारा इस वर्ष बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शंकर को समर्पित एक बेहद ही खूबसूरत मंदिर है। दोस्तों शिवनगर मॉडर्न क्लब का दुर्गा पूजा पंडाल बांस और प्लाई की मदद से बनाया जा रहा है। कोलकाता के प्रसिद्ध कारीगर पूजा पंडाल को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। शिवनगर मॉडर्न क्लब के दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास बहुत सारे स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं जहां पर आप अपने मनपसंद चीज़ें खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर लाइटिंग की बहुत ही सुंदर व्यवस्था रहती है जहां पर शाम के बाद आप किसी भी समय घूमने के लिए जा सकते हैं। पिछले 2 वर्षों से यहां पर कुछ खास थीम के दुर्गा पूजा पंडाल नहीं बनाए गए थे, लेकिन इस वर्ष यहां पर बेहद खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है जो कि देखने में आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों आप इस वर्ष अगरतला में किस दुर्गा पूजा पंडाल में घूमने जा रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों अगली वीडियो आप किस जगह या किस शहर के दुर्गा पूजा पंडाल की देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता के साथ हमारा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।